अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो यार मैं बड़े दिनों बाद रेंगल खेल रही थी और यहाँ पे पहले मैंने एक बंदे को तो डाउन कर दिया जैसे तैसे करके। बाकी तो इतनी कुछ ज़्यादा बंदे थे, मुझे समझ ही नहीं लग रही थी मैं इसको मारूँ उसको मारूँ किसको मारूँ। तो स्कोप खोल खोल के मैं सारे बंदों को देख रही थी किसको मारने की कोशिश करती हूँ। फिर मैंने दूसरी बार स्कोप खोला, उतनी देर में पीछे मुझे निहत्ता बंदा नज़र आ गया, ये मेरा शिकार बन गया। पहले मैंने इसको डाउन किया, इसका जो टीममेट है ना वो भी अभी पीछे ही है। पहले मैंने इधर ही चढ़ के इसको मारने लगी थी, फिर मैं नीचे गिर गई। तो मैंने कहा चलो नीचे गिरी गई हूँ तो इसको मैं मारती हूँ। बस UMP की गोलियाँ बहुत ज़्यादा कम थी तो पहले मैंने इसको मार दी। मैं इसे टीममेट का वेट कर रही थी तो इसकी पेटी में से मुझे कुछ भी नहीं मिला, खाली पेटी थी, निहत्ता बंदा था बेचारा। उतनी ही देर में मुझे पीछे UMP नज़र आ गई, मैंने फिर दोबारा एक और UMP पकड़ ली। इस तरह मेरे पास गोलियाँ भी ज़्यादा हो गई थी। तो यहाँ पर देखना काफ़ी बंदों को मैंने यहाँ पर डाउन कर दूंगी। एक बंदे को डाउन किया, फिर एक और मुझे नजर आया, इसको मैंने डाउन कर दिया। यार यहाँ पे किल बहुत ज़्यादा चोरी होते हैं, जिसको भी डाउन करती हूँ उसका किल बहुत मुश्किल से मिलता है। किसी किसी का मिल जाता है, किसी किसी का नहीं मिलता। यहाँ मैंने गन चेंज कर ली क्योंकि UMP की गोलियाँ कम थी मेरे पास, यहाँ मैंने बैरल पकड़ ली। तो अभी यार ऊपर बंदे आए हुए थे, मैंने कहा ये नीचे जैसे भी आएंगे ना मैं इनको मार दूंगी। तो पहले मैं इसको काफ़ी ललचा रही थी कि आएगा नीचे लेकिन नहीं, वो ऊपर ही बैठा रहा। फिर मैंने दोबारा नीड किया, कुक नहीं आया वो, फिर भी नहीं आया वो, पता नहीं डीट कहीं का। तो मैंने कहा चलो अब मैं नेड कुक करती हूँ, अब मैं इसके ऊपर फेंक देती हूँ। तो मैंने नेड उसके ऊपर फेंका, इधर ही खड़ा हुआ था यहाँ पे इसको नेड लग गया। फिर ये डाउन वाले बंदे को मैंने फिनिश किया यहाँ पे। तो उतनी देर में ना मुझे पीछे से हल्की सी आवाज़ आई, मैंने कहा पीछे कोई ना कोई तो है। तो मैं यहाँ पे ना जाके मैंने जब देखा तो दरख्त के पास एक बंदा छुपने की कोशिश कर रहा था। ये बेचारा बाद में सोच रहा होगा कि काश मैं फ़ाइट ले ही लेता तो बाद में पछताने का क्या फ़ायदा। तो मैंने इसको यहाँ पे डाउन किया। अभी बाकी ना और भी आगे बंदे थे और आप लोगों को पता है वो एंड पे जो कैंपिंग करना शुरू हो जाते हैं वही वाले बंदे थे। ऊपर चढ़ने की मैंने गलत तरीके से कोशिश की तो मैं नहीं चढ़ पाई, मैंने कहा सीधे तरीके से ऊपर जाती हूँ वरना मैं नहीं चढ़ पाऊँगी यहाँ से। फिर ये दरख्त वाले को मैंने यहाँ फिनिश दे दिया। अभी आगे वाला बंदा, यार मुझे ये नहीं पता था कि रश करने आ जाएगा, वैसे ये अपना प्लान बना रहा था मेरे ऊपर रश करने के लिए। ये बेचारा सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहा था, इसको पहले मैंने डैमेज दे दिया। मेरे का डैमेज तो दे दिया हुआ, अभी क्यों आएगा मेरे ऊपर रश करने। तो मैं यहाँ पे रिलैक्स होकर आराम से बैठ गई, मैंने कहा यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला, नहीं आएगा यहाँ पे, आराम से मैं बैठी रहती हूँ। लेकिन नहीं, इसको पता नहीं क्या था, ये आया रश करने के लिए मेरे पास। यहाँ पे डाउन वाला बंदा भी था, पहले मैंने कहा इसको मैं फिनिश करती हूँ, इसको फिनिश देने की कोशिश की। बट फिर उतनी देर में पिछला वाला आ गया, बड़ा तेज़ होके आ रहा था। मैंने कहा मैं इस पर जाके उल्टा रश कर देती हूँ, मेरे ऊपर रश करने है, मैं इसके ऊपर रश कर देती हूँ। तो रश करके मैंने इसको मार दिया, मुझे पता था लो है पहले ही। फिर ना यहाँ पे एक और बंदा पीछे बैठा हुआ था, देखो ज़रा, इसको मैंने काफ़ी लो किया। मैंने कहा यार अभी मर जाना चाहिए था लेकिन ये अभी तक मरा नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि उन्हें एक नेट वगैरह फेंका जाए तब जाके ये फोत हो जाएगा। तो लेकिन ये दीवार के ना साइड साइड से होगी, इधर को जाने की कोशिश करेगा। यार इसको नेट लग जाना था, अगर थोड़ा सा और मैं पहले फेंक देती ना, इस साइड पे फेंक देती, लेकिन इसको डैमेज तो ज़रूर हुआ था। और देखो फिर एक गोली भी मर गया ऊपर आते साथ। उतनी देर में कोई और बंदा भी उधर आ गया, मैंने इधर आके ना इसका वेट किया। मैंने कहा इधर तो आएगा, इधर आके जब आएगा ना तो मैं इसको मारूंगी। तभी मैं इसका वेट कर रही थी कि आएगा तो ज़रूर किसी भी हाल में। तो ये छत पर आया था रिकॉल होके, इसको मैंने डाउन फिनिश दिया। अभी आगे और भी हैं कैंपर, इन लोगों ने तो रश करना नहीं था तो मैंने सोचा मैं ही जाके रश कर देती हूँ। पूरी ज़िंदगी भी मैं उधर बैठी रहती तो इन लोगों ने कोई नहीं आना था। तो इधर आके पहले तो मैंने इन लोगों को थोड़ा सा डराया वराया, मैंने कहा शायद नेट से मर जाएं, लेकिन नेट से नहीं मरे ये लोग। फिर मैंने कहा चलो आगे जाके मैं इन लोगों को मारती हूँ। M249 उठाई हुई थी मैंने वैसे वो लोग साउंड से डर गए होंगे। अच्छा ये बोला यार यहाँ पर बड़े साथ बड़ा गंदा सीन होने वाला है। इन लोगों ने रश ही नहीं किया तो मुझे रश करना पड़ा। अभी इन लोगों ने मुझे मार दिया तो ये मेरा रिकॉल है, दूसरा जन्म यहाँ पे शुरू हो चुका है। तो उधर तो मैं नहीं जा सकी, वो बहुत दूर हो गया था। तो इसी इवेंट पे मैं आ गई कोई और इवेंट में, मतलब उसी गेम के किसी और इवेंट में मैं आ गई हूँ। तो जब मैं इस वाले इवेंट में आई ना तो आगे फाइट हो रही थी, मैंने कहा चलो यहाँ पर मज़ा आएगा। तो यहाँ पर ये बंदा था, इसको मैंने पहले ही फिनिश किया। अभी और पीछे और भी बंदे थे, पीछे वाले को वो बहुत दूर है, उधर आपको नज़र आ रहा है वो छोटू सा नज़र आ रहा है तो पूरा बंदा लेकिन दूर से छोटू नज़र आ रहे। तो यहाँ से पहले मैंने इसको उठ के मारा। अभी यार आप लोग यकीन मानो इतना खूब कैंपर बंदा है अभी आने वाला है, इधर उसने मुझे बिठा के रखा है, मुझे यहाँ से हिलने नहीं दिया क्योंकि वो कैंपिंग कर ही जा रहा था मैंने कहा अब उठेगा इसको अब नेट लगेगा। लेकिन वो ऐना कोंडा बना हुआ, खतर वाला ऐना कोंडा बना हुआ है। तो पहले मैंने सोचा इसके ऊपर पहले मैं नेट करती हूँ, शायद नेट से ही मर जाए, इधर ही बैठा हुआ है। तो नेट किया पहले मैंने यहाँ पे, गेस व्हाट, नहीं मरा नहीं मरा, पहले नेट पे नहीं मरा। अभी मैंने सोचा एक और करती हूँ, दूसरे पे तो इसको मरना ही चाहिए, भला कि मैं उसके ऊपर रख के
फेंक रही थी, लेकिन वो जा कहाँ सकता है, यहाँ पे ना रिज सी थी तो कहीं ना छुप के बैठा हुआ था, और बेचारे का दिल बाहर आ रहा होगा। क्या फ़ायदा यार ऐसे रैंक करने का छुप छुप के, कोई मज़ा ही नहीं गेम का, ना कोई स्वाद ना कोई मज़ा, तो क्या फ़ायदा रैंक वगैरह करने का। तो काफ़ी देर इसने मुझे यहाँ पे बिठाई रखा है, मैंने मोली की, मैंने कहा शायद मोली लग जाए किसी ना किसी तरह, तो भाई ये मर जाए, लेकिन नहीं, ये फुल ढीठ बंदा था। लेकिन मैंने भी आनी मानी, मैंने कहा नहीं मैं इससे भी बड़ी ढीठ बनूंगी, मुझे कुछ करना ही है इसका। तो देखो काफ़ी मैंने नेड और मोलियाँ चलाई हैं, फायरिंग भी की, लेकिन ये बंदा हिलने का नाम नहीं ले रहा था। पता तो मुझे था कि इधर कहीं लेटा हुआ है, हल्का सा उसको लगा भी है देखो। तो यहाँ पे काफ़ी मैंने इसको मारने की कोशिश की, लेकिन नहीं, ये पीछे जाके छुप गया दोबारा से। तो एनाकोंडा को मारने का तरीका है कि आप खुद भी एनाकोंडा बन जाओ, तो मैं खुद भी एनाकोंडा बन गई इनको मारने के लिए, ये वाले बंदे को मारने के लिए। तो एनाकोंडा बन बन के उसको मैंने बोला चा, उसके दिल पे क्या गुजरी होगी, वो तो बेचारा डर गया होगा, उसको दिल हाथ में आ गया होगा। तो वह देखो वो बेचारा भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसको मैं जाने दूंगी भला, ऐसे तो नहीं होता ना, ऐसे थोड़ी होता है। मैं भी इसके पीछे गई, मैंने कहा इसको किसी भी तरह ख़त्म ज़रूर करना। मैंने तो इसको यहाँ मैंने आके डाउन किया, और यहाँ पर बेचारा सोलो ही था, मैंने इसको फिनिश कर दिया। माइनस तो इसका अच्छा खासा लगा होगा। और ये फ्लेयर लेके घूम रहा था, मैंने कहा यार फ्लेयर, मैं कहीं पर जाके ना फ्लेयर चलाती हूँ और वहाँ पर बंदे आएंगे। तो फिर मैं यहाँ पे स्क्वाड हाउस में आ गई, यहाँ पे मैंने फ्लेयर चला दी। अभी यहाँ पे इतने कुछ लोग, अभी तो कोई नहीं ना दिख रहा आप लोगों को, अभी यहाँ पे इतने कुछ ज़्यादा बंदे आ जाएंगे, अभी आप चेक करिएगा कितने ज़्यादा बंदे आ जाते। अभी ये सामने देखिएगा, वो सामने भी बंदे हैं, और बाइक लेके भी कोई देख रहा होगा ड्रॉप की तरफ। तो बाइक वाले को काफ़ी मैंने मारने की कोशिश की, तो इसको डैमेज तो काफ़ी मिल गया, लेकिन ये फोत नहीं हो सका। तो अभी बाकी वो जो पीछे वाले हैं ना बंदे, वो उनकी तो नज़र ही, उनके जो डेले हैं ना डेले, वो ड्रॉप पे अटक गए हैं। बस उनको ये है कि बस किसी तरह ना ये ड्रॉप मैं लूट लूँ। तो ये पहले वाला बंदा आएगा, पीछे वाले का क्या फायदा यार, देखना पीछे वाला उसको बिल्कुल भी कवर नहीं देगा। ये सामने है, ये देखो एक ने आने की कोशिश की है, दौड़ लगाई है ड्रॉप की तरफ। तो ये देखो इसको पता चला यहाँ पे बंदा है कोई, तो इसने यहाँ पे कवर लेने की कोशिश थी की थी, लेकिन देखो उसके पीछे वाले बंदे ने उसको बिल्कुल भी कवर नहीं दिया। तो फिर उसको थोड़ा सा ना ख्याल है कि मैं अपने ना टीममेट को थोड़ा सा कवर दे देता हूँ, लेकिन कवर क्या दिए, एक भी गोली उसने नहीं चलाई। ऐसा टीममेट यार अल्लाह ना करे किसी को भी मिले। अगले बंदे की फोतकी करके बंदा बिरयानी भी खा ले, और ये देखो ये देखते ही रहते हैं बस। अच्छा तो मैंने इन लोगों को मार दिया, फिर मैंने ड्रॉप देखा, ड्रॉप में क्या है, मैंने कहा बड़ा अच्छा ड्रॉप होएगा, लेकिन ड्रॉप में इतना कोई अच्छा सामान नहीं पड़ा हुआ था। ओक पड़ी थी, ओक वैसे मैं चला लेती हूँ, लेकिन अगर इसकी जगह एमजी होती तो फिर ज़्यादा मज़ा आता, और अगर दूसरी स्नाइपर की जगह AWM होती तो मैं वो उठा लेती, लेकिन नहीं इतना कोई अच्छा ड्रॉप था नहीं। तो यहाँ पे देखो एक और बंदा आया, इसको मैंने यहाँ पे डाउन किया, और उतनी देर में पीछे से एक और बंदा आ गया। इसको ना पता चल गया होगा कि मैं यहाँ पे नेड करने लगी हूँ, उसको पता था कि कवर इतना कोई अच्छा है नहीं, तो मैं कोई और कवर मिलता हूँ। तो उतनी देर में ये आगे आ गया, फिर मुझे लगा ये इसी साइड पे बैठा होगा आके, तो मैं इधर नेड करा देती हूँ और ये मरेगा ही मरेगा 100%। लेकिन जब मैंने नेड चलाया ना, तो इसको नेड नहीं यहाँ पे लगा, ये कहीं और शिफ्ट हो गया था। तो फिर मैंने दोबारा नेड करने की कोशिश की, फिर मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे ऊपर शायद वो नेड करने लगा, फिर मैंने जगह चेंज की और मैं इधर आके बैठ गई, और फिर इसको पता चल गया कि मेरी भी लोकेशन यहाँ पे है। तो मुझे ऐसा था कि यार ये मेरे ऊपर नेड करेगा ही करेगा, किसी भी आदमी करेगा ही। तो मैंने ना यहाँ पे करने की कोशिश की नेड, तो जैसे ही मैंने नेड पिन करके उसके पास फेंका ना, मैं यहाँ से चली गई, मैंने कहा वो भी नेड कर रहा है, तो कैसे मैं उसके नेड से बची हूँ, वो तो मेरे नेड से मर गया, उसके नेड से भाई मैं बड़ी मुश्किल से बची हूँ, और अल्लाह की तरफ से बच गई, वरना कोई चांसेस थे नहीं। अच्छा तो मैं इधर से निकल के आ गई, यहाँ पे मेरे काफ़ी किल्स हो चुके थे, यहाँ पे मुझे बंदा नज़र आया, इसको मैं डाउन कर दिया, फिर इधर से मुझे पढ़ना शुरू हो गई, फिर मैंने कवर लिया पत्थर का, और मैं यहाँ पर बन गई एनाकोंडा। ओपन में तो बनना ही पड़ता है ना, सोलो हूँ, फिर अगला पूरा पूरा स्क्वाड होता है। तो यहाँ सामने भी बंदे थे, ये इस वाले को मैंने डाउन किया, ओपन जोन था, हर जगह ही बंदे थे, बंदे ही बंदे थे हर जगह ही। तो काफ़ी देर मैंने यहाँ पे होल्ड किया, मैं सारे बंदों की लोकेशन देख रही थी कि कौन सा बंदा कहाँ पे है, तो थोड़ा सा देख दूँ कि मैं भी रश करूँगी। तो यहाँ मैंने अपनी हील वगैरह पूरी की, सामने मुझे ना वो ग्लिच लग रहा था, मुझे लग रहा था ग्लिच से कुछ है, बट वो ग्लिच नहीं था, वो असली बंदा था। इसको मैंने यहाँ पे फिनिश किया, इतनी देर में जोन आ गया, मैंने ना खोता बना लिया, खोता बना के मैं उसको आगे ले गई, और मुझे यहाँ पे पड़ रही हैं गोलियाँ, और मेरे खोते का बुरा हाल हो गया, यहाँ मुझे कवर टाइम पे नहीं मिल सका, और मैं फोर्थ हो गई। तो बस ये गेम प्ले यहाँ तक ही था, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।